हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ट्यूटोरियल ऑफ इकोनॉमिक्स। सो ये मैक्सिमा एंड मिनिमा का फर्स्ट वीडियो है। एक्चुअली मैंने पहले एक वीडियो बनाया था और गलती से वो वीडियो अपलोड हो गया और मैंने सेकंड वीडियो को फर्स्ट वीडियो समझ के अपलोड कर दिया था, तो बाद में आपको थोड़ी सी परेशानी हुई होगी, उसके लिए सॉरी। पर चलिए चीज़ों को समझते हैं। जब भी मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो हम लोग क्या जानते हैं कि ये जो है एप्लीकेशन है, किसका एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन, जिसको हमने पढ़ा था। तो इसके लिए सबसे बेसिक ये जरूरी है कि आप डिफरेंशिएशन को अच्छे से पढ़े हो। सो अगर आपने उस चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो पहले पढ़िए उसको, क्योंकि ये एप्लीकेशन है। और ये तो एकदम कॉमन सेंस वाली बात हो गई कि अगर आपको वो चैप्टर का बेसिक नहीं आएगा तो एप्लीकेशन पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। अब देखिए, जब भी मैक्सिमा एंड मिनिमा की बात की जाती है तो हमेशा आपको इसमें दो चीज पूछा जाएगा, और ये बहुत ही क्लियर है। चैप्टर खुद बोल रहा है कि भाई साहब इसमें करना क्या है, तो किसी भी चीज का मैक्सिमम निकालना है आपको या मिनिमम निकालना है, और क्वेश्चन कुछ भी दे दे, क्वेश्चन वो आपको खुद देगा और बोलेगा भाई साहब मेरे को बताइए y बराबर समथिंग, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालिए और इसका मिनिमम वैल्यू निकालिए। तो एकदम पहले बेसिक एकदम स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते जाना है। इस चैप्टर का बेसिक मोटिव या बेसिक इंटेंशन क्या है, हम लोगों को सिखाना क्या चाह रहा है, तो ये चैप्टर हम लोगों को बताना चाह रहा है कि हाउ टू फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन। अब देखिए, मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू जब आप बोलते हो तो वो किसी पॉइंट पे निकलेगा। आप एक्सट्रीमली गुस्सा कब होते हो, जब तो किसी पॉइंट पे होते हो, कोई ऐसा कुछ बात आपको बोल दे जो आपको दिल पे लग जाए, तब आप एकदम पूरा अपने ताव में आ जाते हो। और आप इसी तरह जब हम बोलेंगे आप मतलब गुस्सा एकदम हंसते कब हो, तो कोई ऐसा कुछ बात बोल दिया तो किसी पॉइंट पे कोई फंक्शन मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो आपको मैक्सिमम या मिनिमम निकालना है, एकदम बेसिक इंटेंशन क्लियर रखिए, बेसिक मोटिव एकदम माइंड एकदम फ्रेश रखिए कि हमको निकालना ही तो है मैक्सिमम या मिनिमम। अब बात आता है निकालना कैसे, क्योंकि ये तो किसी पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, कोई भी फंक्शन या कोई भी आदमी ऐसे हमेशा आप गुस्सा या फिर हमेशा खुश तो रहते नहीं हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उस पॉइंट को निकालना होगा जिस पॉइंट पे वो फंक्शन मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। फिर से समझिए, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि इस पूरे चैप्टर में आपको दो चीज माइंडसेट एकदम क्लियर रखना है, दो चीज निकालना। पहला क्या, मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू, और ये मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए उस पॉइंट को निकालना होगा जहां पे वो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। ठीक है, अब आई होप आपको क्लियर हुआ। फिर से एक बार समझिए जल्दी से लास्ट बार कि आपको इस चैप्टर में सिर्फ निकालना है या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम, किसी भी या फिर मैक्सिमम मिनिमम, और ये मैक्सिमम या मिनिमम किसी पॉइंट पे होगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको उस पॉइंट को निकालना होगा। मतलब इनडायरेक्टली इस चैप्टर में दो ही चीज पूछा जाएगा। पहला पूछा जाएगा, भाई साहब कोई क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा ये मैक्सिमम कहाँ होगा, उस पॉइंट को बताइए, पहला क्वेश्चन हो गया। और दूसरा क्वेश्चन देगा कि मैक्सिमम कितना होगा। अब आपको ये तो पता चल गया कि इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, लेकिन कितना मैक्सिमम होगा वो निकालिए, और अगर इस पॉइंट पे मिनिमम है तो कितना मिनिमम है वो निकालिए। आपसे हमेशा दो चीज, और आपको हमेशा क्लियर रखना बस यही दो चीज पूछा जाएगा। अब बात समझिए, कोई भी फंक्शन एकदम बेसिक दिमाग में ठूस के भर देना है क्या, कि कोई भी फंक्शन का मेरे को मैक्सिमम या मिनिमम निकालने बोले, कोई भी क्वेश्चन का आपको मैक्सिमम या मिनिमम निकालने बोले, तो सबसे पहला काम क्या करना है, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। किसके रिस्पेक्ट में, कि बोलोगे आप ये जरूरी है, सपोज करिए y बराबर x का पावर 4 प्लस x का पावर 3 प्लस ऐसे कुछ दे दिया, तो अब नीचे में क्या रखेंगे, ये बुद्धि आपको क्वेश्चन से लेना है। ठीक है ना, क्वेश्चन में आपको देखना है इस साइड कौन सा वेरिएबल है, इनडायरेक्टली इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। सिंपल भाषा में y करके ही क्वेश्चन आपको देगा, dy को डिफरेंशिएट करिएगा जो यहाँ इंडिपेंडेंट रहे, यहाँ पे हमेशा x ही आपको देगा क्वेश्चन में जो एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, तो y को आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और उसको जीरो के बराबर करना है।
पहला काम सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन देखिए तुरंत डिफरेंशिएट करिए उसको किसके रिस्पेक्ट में, तो इधर इक्वल टू के इस साइड जो भी वेरिएबल दिखे उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा और जो डिफरेंशिएशन करके आया है उसको जीरो के बराबर करिए, चाहे मैक्सिमा पूछे चाहे मिनिमा पूछे, ये पहला काम आपको हमेशा करना है। तो वही देखिए यहाँ पे लिखा गया पहला कंडीशन क्या है कि क्वेश्चन में जिसका भी मैक्सिमा पूछे उसको आपको क्या करना है, जीरो के बराबर करना है डिफरेंशिएट करके। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया और मिनिमा पूछ रहा है क्या करना है, तो उस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में और जीरो के बराबर करना है। आई होप आपको बात क्लियर हुआ हो कि हमको डिफरेंशिएशन करना है, पहला काम मेरा ये है और दोनों को जीरो के बराबर करना है, चाहे मैक्सिमा पूछेगा या मिनिमा पूछेगा। अब आप कोई वैल्यू आएगा डिफरेंशिएट करने का, इसको जैसे ही क्वेश्चन बनाएंगे क्लियर होते जाएगा, बट अभी थोड़ा सा रखते जाइए और बाद में जैसे ही क्वेश्चन बनाएंगे ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, वहां पे एकदम फिक्स हो जाएगा। तो अब देखिए सबसे पहले पॉइंट निकल गया जहां पे ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, और कैसे निकलेगा तो आप इसको जीरो के बराबर कर दीजिएगा और यहाँ से कोई एक वैल्यू आएगा। अब उस वैल्यू पे मैक्सिमम है या नहीं वो कैसे चेक किया जाता है, तो एक बार फिर से आपको डिफरेंशिएट करना है, किसको करना है, क्वेश्चन को करना है। देखिए अगर क्वेश्चन मेरा ये दिया है तो सबसे पहला काम मैंने क्या बोला आपको, dy by dx निकालिए और इसको जीरो के बराबर करिए। इसका मतलब क्या हुआ, d by dx of y का वैल्यू कितना है, तो x का पावर 4 प्लस x का पावर 3, तो ये क्या हो गया जीरो के बराबर इसको करना है। x का पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x का पावर 3, एक घट गया पावर, x का पावर 3 का डिफरेंशिएशन पावर बाहर आ गया 3, x का पावर 2 हो गया, इसको जीरो के बराबर कर दिया हमने। अब हम क्या बोले, आपको यहां से एक वैल्यू निकलेगा, ध्यान से देखिए, यहां से x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं और क्या बच जाएगा यहाँ पे 4x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है ना। अब यहां से दो बात होगा, या तो x स्क्वायर बराबर 0 होगा या तो 4x प्लस 3 बराबर 0 होगा, क्लियर है। और अगर x स्क्वायर बराबर 0 होगा तो x का वैल्यू तो 0 आ जाएगा, और अगर 4x प्लस 3 बराबर 0 हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -3/4। अब ध्यान से देखिए आपको यहाँ पे x का दो वैल्यू निकल के आ गया। अब आपको दिमाग में बैठा देना है कि यही दो पॉइंट पे ये फंक्शन मेरा मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। अब आपको तो क्वेश्चन टहला दिया क्योंकि दो पॉइंट निकाल के दे दिया है, अब मैक्सिमम कहाँ होगा या मिनिमम कहाँ होगा, तो ये आपको चेक करना है। कैसे चेक करना है, तो सिंपल भाषा में सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव बोलने का मतलब जिसका मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है उसको दो बार डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देखिए, या फिर आप इसी को बोल सकते हो कि एक बार फिर से हमको किसको डिफरेंशिएट कर देना है, जिसको मैंने पहली बार किया था, और पहली बार करेंगे तो dy by dx आ गया था आपको, और dy by dx जो है उसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, यही हमारा हो गया d2y by dx2, क्लियर है। तो अब आपको ये निकालना है ये देखने के लिए कि इस पॉइंट पे मैक्सिमम या मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, तो निकाल लीजिए जल्दी से यहाँ पे d by dx of dy by dx कितना आ गया था मेरा, तो x का पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x 3 हो गया था, प्लस x का पावर 3 का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर हो गया, इसको मतलब फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। फिर से समझिए, d2y by dx2 का मतलब कुछ नहीं होता, जो आपने dy by dx निकाला है जिसको जीरो के बराबर किया उसको फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। तो आप डिफरेंशिएट करिएगा यहाँ पे 4x 3 और प्लस 3x स्क्वायर को आया था मेरे को पहली बार, तो उसको एक बार फिर से करना है। देखिए ध्यान से, 4x 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 3 × 2x 12x स्क्वायर प्लस 6x। अब ध्यान से बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहां पे ये जो आया है क्या है, ये है d2y by dx2। अब मेरे को चेक क्या करना है कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, दो पॉइंट आ गया है उस पे क्या है,
तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी x का वैल्यू आया है उसको पुट कर दीजिए क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, x y बराबर x का पावर 4 प्लस x का पावर 3, तो एट x बराबर 0, ठीक है ना, y बराबर 0 हो जा रहा है, 0 का पावर 4 प्लस 0 का पावर 3। तो ध्यान से देखिए, x का वैल्यू जब आप फंक्शन में बैठा रहे हैं तो पूरे फंक्शन का वैल्यू 0 आ जा रहा है। तो इस बात से क्या प्रूव हो रहा है कि यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, मैक्सिमम या मिनिमम कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि मैक्सिमम होने के लिए इसका वैल्यू 0 से कम आना चाहिए और मिनिमम होने के लिए सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव में जब आप वैल्यू को बैठाओगे तो उसका वैल्यू 0 से बड़ा आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट 0 के बराबर आ जा रहा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं। और क्वेश्चन में हमेशा ऐसा ही देगा, दो पॉइंट जहां आएगा फिर आपको चेक करके बताना होगा। आप दूसरे पॉइंट पे देखिए, एट एक्स बराबर -3/4 क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, वाई बराबर d2y/dx2 मेरा क्या हो जाएगा, ये एक्चुअली थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हमने डायरेक्ट वैल्यू इसमें बैठा दिया है, हम लोगों को वैल्यू इसमें बैठाना था जो d2y/dx2 आया है। तो यहां पे बैठाइए एट एक्स बराबर 0, ये क्या हो जाएगा 12 × 0 प्लस 6 × 0 दैट इज 0। तो फिर से वही बात, d2y/dx2 का वैल्यू क्या आया, 0 आया, 0 से कम या बेसी तो आया नहीं है, ज्यादा आया नहीं है, तो ये या तो मैक्सिमम मिनिमम तो अभी होगा नहीं। तो अब दूसरे पॉइंट पे देखिए, दूसरा पॉइंट है मेरा -3/4 x बराबर इतना, और d2y/dx2 का वैल्यू कितना आया हम लोगों को, तो 12x2 प्लस 6x। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ क्या करना है, x का वैल्यू पे मैक्सिमम होगा या मिनिमम चेक करने के लिए सिर्फ उस वैल्यू को बैठा देना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में। तो इसको बैठाइए, देखिए क्या होगा, ये 12 × x का वैल्यू, तो ये हो जाएगा -3/4 का होल स्क्वायर प्लस 6 × -3/4। तो 12 × -3/4 का होल स्क्वायर मतलब 9/16, माइनस पॉजिटिव हो जाएगा होल स्क्वायर है, और 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस -3 × 6, तो ये ध्यान से देखिए ये -18/4 हो जाएगा, क्लियर है। अब ये क्या होगा, तो 12 × 9 108/16 -18/4, इसको सॉल्व करिए, तो 108/16 -18/4। अब यहाँ पे देखिए, आप LCM लेके भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे 16 है, यहाँ भी हम 16 ला देते हैं, और 16 लाने के लिए 4 से नीचे में मल्टीप्लाई किए, तो आप नीचे में करोगे तो ऊपर में भी करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा 108/16 -72/16। तो 108 - 72/16, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। तो मेरा कैलकुलेशन करने का मतलब सिर्फ ये था, आपको वैल्यू निकाल के दिखाना क्या आ रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का, वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। और पॉजिटिव कब आएगा, अगर पॉजिटिव आ गया मतलब वो फंक्शन उस पॉइंट पे मिनिमम हो। फिर से समझिए एक बार बात, हम लोग क्या क्या किए, हमको एक क्वेश्चन दे दिया ये वाला और बोला इसका मिनिमम पॉइंट निकालिए। पहले हम लोगों को नहीं पता था मिनिमम होगा या मैक्सिमम, लेकिन अब पता चल गया मिनिमम हो रहा है। तो ये क्वेश्चन दे दिया और बोला इस पॉइंट पे मिनिमम, इस पॉइंट, इस फंक्शन का मिनिमम निकालिए। तो हम क्या बोले, जिसका भी आपको मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यू निकालना है, आपको उसको डिफरेंशिएट करना है और 0 के बराबर करना है, ये पहला काम है आपको, चाहे मैक्सिमम निकालना है या चाहे मिनिमम आपको निकालना है। तो हमने डिफरेंशिएट किया, x का पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x³ हो गया प्लस x³ का डिफरेंशिएशन 3x² हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करके क्या करना था, 0 के बराबर, तो 0 के बराबर हमने कर दिया। यहां से क्या होगा, यहां से ऐसा पॉइंट निकलेगा जहां पे वो फंक्शन पॉइंट निकलेगा
तो अगर क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछेगा तो यहां से जो पॉइंटर आएगा उस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा या नहीं, वो अब आपको चेक करना है। कैसे चेक करना है, उसके लिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, मतलब जो एक बार आपने पहले वाले को डिफरेंशिएट किया dy by dx का वैल्यू जो भी था उसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट कीजिएगा, और फिर से डिफरेंशिएट करने के बाद d2y by dx 2 निकाल लीजिएगा। जब वो आपका निकल जाएगा, अब जो पॉइंट यहाँ पे आपको निकला है x बराबर समथिंग समथिंग x बराबर समथिंग समथिंग, तो उस पॉइंट को, सारे पॉइंट को आप d2 सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करिए। अगर वैल्यू आपको जीरो से बड़ा आ रहा है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का उसको पुट करने से, तो उस पॉइंट पे वो फंक्शन मिनिमम होगा। उल्टा हो रहा है, मिनिमम में आपको जीरो से ज्यादा आएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू, लेकिन मैक्सिमम में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को उस पॉइंट पुट करने पे आपको जीरो से कम आएगा। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हुआ हो कि मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ होगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जीरो के बराबर करना है, वहां से x बराबर निकल के कुछ आएगा पॉइंट, उस पॉइंट पे है या नहीं उसके लिए हम लोग सेकेंड ऑर्डर कंडीशन फॉलो करते हैं। सेकेंड ऑर्डर कंडीशन क्या बोलता है कि अगर मैक्सिमम होगा तो आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू जीरो से कम आना चाहिए। कब? जब आप उस पॉइंट को इसमें पुट करिएगा। तो उसके लिए सबसे पहले d2y / dx2 निकालना पड़ेगा, क्लियर है? और अगर d2y / dx2 का वैल्यू ज्यादा आ जाए जीरो से पुट करने से, तो उस पॉइंट पे वो मैक्सिमम होगा। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन था कि कहां उस पॉइंट को निकालिए जहां पे ये मैक्सिमम है या मिनिमम। अब दूसरा क्वेश्चन, मेन जो थीम है मेरा कि मैक्सिमम अगर है, पता चलिए आपको यहाँ मैक्सिमम है या मिनिमम है यहाँ, तो कितना मैक्सिमम है या कितना मिनिमम है वो निकालिए। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, हम लोगों को पता चल गया कि -3/4 जब x का वैल्यू d2y / dx2 में पुट कर रहे थे तो वहां पे पॉजिटिव वैल्यू आ जा रहा था, मतलब क्या होगा उस पॉइंट पे वो क्वेश्चन मिनिमम होगा, और मिनिमम कितना होगा वो कैसे निकालेंगे। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, जो भी क्वेश्चन का मिनिमम पूछ रहा है, y बराबर मेरा क्वेश्चन क्या था, x/4 प्लस x^3, तो हमको तो पता चल गया कि भाई साहब -3/4 x का वैल्यू -3/4 पुट करने पे आपको मिनिमम आएगा, मतलब आपको ये बात बोलेंगे तो गुस्सा आएगा, तो वो बात बोल के देख लेंगे कितना गुस्सा आता है। उसी तरह कितना मिनिमम होगा निकालने के लिए क्या करेंगे, तो y का वो वैल्यू पुट कर देंगे -3/4 -3/4 3, और इसको सॉल्व करिएगा, ये जो आएगा वही y का मिनिमम वैल्यू होगा। तो पूरे का कहानी ये है, सबसे पहला थिंग लास्ट बार जल्दी से आप थोड़ा सा समझिए। दो चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करना या निकालना है, पहला चीज कौन सा पॉइंट पे वो क्वेश्चन मैक्सिमम होगा पॉइंट निकालना है, और दूसरा कितना मैक्सिमम है। ये तो इजी है कि कितना मैक्सिमम या मिनिमम है, आपको अगर पॉइंट निकल गया आप उस पॉइंट को क्वेश्चन में बैठा दीजिए, अगर मैक्सिमम पूछा है तो वही मैक्सिमम हो जाएगा पुट करने से, और अगर मिनिमम पूछा है तो वो मिनिमम हो जाएगा। लेकिन पॉइंट कैसे निकालना ये मेन है। तो आपको जिसका भी आपको क्वेश्चन में एवरेज प्रोडक्ट पूछ देगा तो आपको बुद्धि लगाना है, सबसे पहले आप एपी निकालिएगा तब ना उसको डिफरेंशिएट। हम क्या बोले, क्वेश्चन जिसका मैक्सिमम या मिनिमम पूछे, अगर आपको एवरेज का पूछता तो आप पहले एवरेज निकालिए फिर उसको डिफरेंशिएट करके जीरो के बराबर कीजिए। जो भी क्वेश्चन का आपको मैक्सिमम या मिनिमम निकालना है, सबसे पहला काम है आपको उसको डिफरेंशिएट करके जीरो के बराबर करना, यह हुआ पहला काम। वहां से कुछ पॉइंट निकलेगा एक्स बराबर, अगर इस साइड इक्वल टू के एक्स है तो एक्स बराबर कुछ कुछ आएगा। अब वहां मैक्सिमम है या मिनिमम चेक करने के लिए क्या करना है, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है और उसमें x का वैल्यू पुट करना है। सो आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया हो, अगर फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा परेशानी हो रहा है, पूरा धुआं धुआं हो गया मच्छर के कारण, कुछ चीज जलाया गया था तो मेरे को हो रहा है थोड़ा सा परेशानी, बट आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप मेरे को बताइएगा, मैं आपका डाउट क्लियर करने का फिर से प्रयास करूंगा, एक और वीडियो बना दूंगा। सो लगे रहिए, पढ़ते रहिए, एंड आई होप आपको पसंद आए। Thank you for watching this.